मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्पिति राइडर, जहां मुझे चाहिए छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है यार, क्या करें, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था, कोई ट्रैवल प्लान हो नहीं पा रहा था। तो काफ़ी लोगों के DMs आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे थे कि यार बहुत दिन हो गए आपके चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आप लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ आप लोगों से मिलने एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग के साथ। आज मैं जाने वाला हूँ कान्हा, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंडिया का बहुत ही फेमस टाइगर रिज़र्व है। रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से एक ट्रिप प्लान आउट थी जिसका नाम है सफ़रनामा। अच्छी बात यह है, वहाँ से मुझे एक इन्विटेशन आया तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए कहीं राइड पे भी नहीं गए तो चलते हैं। बट इस राइड में ना एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इस बार मैं अपनी बाइक नहीं चलाने वाला हूँ, मैं चलाने वाला हूँ एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही स्पेशल बाइक, वो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ही मिनट में। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रिप की सबसे बेहतरीन चीज़, जो कि मुझे भेजी है रॉयल थंपर शिवनगर दमोनाका ने। वहाँ पर एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं और वहाँ पर वो मैनेजर भी हैं, दीपक तिवारी सर। तो उन्होंने ये है ना बेहतरीन चीज़, इंटरसेप्टर 650 रॉयल थंपर की तरफ से ये गाड़ी मुझे स्पॉन्सर्ड है। इस ट्रिप में मैं इंटरसेप्टर चलाने वाला हूँ और अगर आप में से कोई भी इंटरसेप्टर लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो मैं ओवरऑल करीब 190 किलोमीटर मुझे यहाँ से जाना है और 190 किलोमीटर आना है। तो इस गाड़ी का मैं आप लोगों को रिव्यू भी दूंगा कि गाड़ी कैसी है, क्या एवरेज देती है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके अच्छे साइड्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो अपना पहले से बना के रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अब ट्रैक पे। दोस्तों गाड़ी 0 से 80 120 कैसे टच कर जाती यार, पता ही नहीं चलता। बहुत भयानक टाइप की पावर है इसमें। मैं ऑब्वियस है 650 cc का इंजन आप चला रहे हो तो पावर के बारे में तो कोई डिस्कशन ही मैटर नहीं करता। कम बजट में रॉयल इनफील्ड ने एक बहुत ही शानदार सुपर बाइक बनाई हुई है इंडियंस के लिए। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही है गाड़ी को चलाने में। हाँ स्पीड इतनी ज़्यादा हो जा रही कि उस समय अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा आपसे बात करूँगा तो आवाज़ हवा की इतनी ज़्यादा आएगी कि मेरी आवाज़ आपको कुछ सुनाई ही नहीं देगी। तो आगे चलते हैं, अभी मुझे यहाँ से जबलपुर पहुँचना है। 7:36 हुए हैं और यहाँ से जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ का ट्रैवल कम से कम 50 किलोमीटर का है, एग्जैक्ट 50 किलोमीटर। तो यहाँ से रॉयल थंपर पहुँचने मुझे कितनी देर लगी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो चलते हैं। सब आ गए, आ गए सर। मिल सुमित। हाय। तो फाइनली गाइस हम लोग जबलपुर से रवाना हो चुके हैं। अभी हम 10-15 मिनट के लिए बरेला में रुकेंगे, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि सभी भूखे हैं, सुबह सुबह निकल पड़े। अभी क्या हुआ, ये जो सामने जावेद भाई जा रहे हैं इनकी हेडलाइट से ना धुआं छोड़ने लगा, भारी टेंशन हो गई सबने वाला कि ये गर्म पानी गर्म हो रहा है उसका धुआं है। बट मैंने बोला नहीं यार, वायरिंग जल रही है कहीं से, अगर आगे कहीं रास्ते में कोई भी चूक हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। क्योंकि हमारा सफ़र पूरा दिन का है तो हमने क्या किया, हेडलाइट का फ्यूज़ डिस्कनेक्ट कर दिया और ढक्कन खोल के हेडलाइट को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। दिन का सफ़र है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 गाड़ियां हैं हमारी। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, अब तो मज़ा आएगा।
दोस्तों इस रूट की एक बहुत खास बात है, मैं यहाँ से 3 बार रायपुर गया हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। बहुत मन था मेरा कि यहाँ पे एक बार बाइक की राइड करने का मौका मिल जाए, और देखिए क्या कोइंसिडेंस बना है। कर्व्स देखिए, सिर्फ कर्व देखिए रोडों में, पूरी गाड़ी ऐसी 45 डिग्री में झुक जाती है, क्या बताएं। और ऊपर से आज मौसम हमारे फेवर में है, बहुत ही सुहाना रोमांटिक टाइप का मौसम। हम लोग मंडला पहुंच चुके हैं, करीब 10 मिनट का रास्ता और बचा है। वहां पे हमारा वेलकम करने वाले हैं माहिष्मती राइडर्स। ये देखो ये देखो ये देखो, अलग ही जोश है भैया। माहिष्मती राइडर्स रॉयल एनफील्डियंस का ग्रुप है, वो हमारा वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनको 10:30 बजे का टाइम दिया था यार हम लोगों ने, बट ठीक है, मस्ती करते कराते आ गए। बस मेरे को लग रहा है 2 मिनट में हम पहुंचेंगे, कोई महात्मा गांधी स्टेडियम है यहाँ पे, वहाँ पे राइडर्स का ग्रुप हमारा इंतज़ार कर रहा है, चलिए उनसे मिलते हैं। वाह, अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ पे माइक में कि जबलपुर रॉयल थंपर्स को वेलकम कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार रहा। क्यों भैया लोग मजा आ रहे हैं कि नहीं? बहुत बहुत मजा आ रहा है, और सब पहली बार एज अ चीफ गेस्ट बैठे हैं मैच देखने के। मैं भी पहली बार लिटरल से ही। बहुत शानदार कैच लिया, बहुत शानदार।